क्या है इनायत खलील और रॉकी का बड़ा सौदा, क्या होगा रॉकी का मास्टर एस्केप प्लान। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। केजीएफ को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है कि फरमान अभी भी जिंदा है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे, क्योंकि अगर वो अधीरा के हाथ लग गया तो अधीरा ने उसे जिंदा क्यों छोड़ दिया। तो आपको बता दें कि अधीरा ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो चाहता था कि रॉकी को उसकी ताकत का अंदाजा हो जाए। फरमान ने देखा था कि अधीरा ने किस तरह रॉकी के लिए काम करने वाले लोगों को मार डाला। ऐसे में अधीरा चाहता था कि फरमान रॉकी को ये सब बताए और रॉकी के जहन में एक दहशत भरी तस्वीर उतार दे। अधीरा ने इसके लिए फरमान को ही चुना क्योंकि फरमान बहुत छोटा था और अधीरा को लगा कि नहीं, फरमान से अधीरा को कोई खतरा नहीं हो सकता। और उस दिन अधीरा के एक कैंप में फरमान ने जो भी देखा और रॉकी को बताया वो सब हमें KGF 3 में देखने को मिलेगा। दोस्तों, रॉकी ने इनायत खलील से एक सौदा किया था जिसमें इनायत रॉकी को 500 मैट्रिक्स टन सोना देने वाला था और उसके बदले रॉकी ने उसे KGF का सारा गोल्ड देने का वादा किया था। इनायत दुबई में अपना दबदबा बना चुका था और रॉकी जानता था कि इनायत के लिए गोल्ड को स्मगल करना कोई मुश्किल वाला काम नहीं है। इनायत गोल्ड को सीज ओशन के रूट से भेजता क्योंकि पानी ही एक ऐसा सबसे सेफ जरिया है जिससे एक देश से दूसरे देश में हम आराम से सामान को ले जा सकते हैं और ला सकते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है रॉकी का मास्टर प्लान। रॉकी ने इंडोनेशियन नेवी को वादा किया था कि वो उनको उनका सारा सोना वापस बदले में दे देगा, लेकिन बदले में इंडोनेशियन नेवी को KGF का सारा गोल्ड सही सलामत रॉकी के बैंक अकाउंट में जमा करवाना होगा, जिससे रॉकी के जाने के बाद भी KGF के लोग उस गोल्ड को यूज करके अच्छे से अपनी लाइफ जी सके। और दोस्तों, ऐसा हुआ भी। रॉकी ने इनायत से लिया हुआ गोल्ड इंडोनेशियन नेवी को दिया था और इसके बदले में उन्होंने KGF का सारा सोना सुरक्षित रॉकी के इंटरनेशनल बैंक अकाउंट में जमा कर दिया। अब जब रॉकी ने सबमरीन की मदद से खुद को सही सलामत बचा लिया, तब उसने उस बैंक अकाउंट से सोना निकालकर खुद को दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड बिजनेसमैन संभालने वाला इंसान बनाने वाली सीढ़ी पर पैर रख दिया था। दोस्तों, रॉकी के मरने के बाद इनायत के पास वो रास्ता कहीं नहीं था वो अपना गोल्ड वापस ले सके, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि KGF का सारा सोना इंडोनेशिया में है। अब आप हमें जल्दी से बताइए कि आपको कैसा लगा है रॉकी का ये मास्टर प्लान। साथ ही दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। हमारी आज की राइटर है लावण्या।